ऑस्ट्रेलिया किसी भी बड़े मैच के पहले कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे प्रतिद्वंद्वी टीम पहले ही हताश हो जाए या घबरा जाए। इस खेल में सभी शामिल होते हैं, उसके वर्तमान खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी भी। इस बार प्लान थोड़ा अलग है। इस माइंड गेम में आलोचना नहीं बल्कि तारीफ छिपी है। ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। पहले टी डट से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन ने विराट कोहली पर 100 फीट दबाव बनाने की कोशिश की है। हेडेन का मानना है कि टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली जिस फॉर्म में फिलहाल चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए वे बड़ी मुश्किल होंगी। हेडेन ने कहा कि विराट के सामने गेंदबाजी करना युवा झाया रिचर्डसन के लिए भी आसान नहीं होगा। हेडेन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में विराट ने रिचर्डसन के लिए मुश्किलें पैदा की। हालांकि रिचर्डसन ने अच्छा प्रदर्शन किया और विराट को 3 बार आउट किया। मुझे लगता है कि इस बार चीजें अलग होंगी। हेडेन ने कहा कि झाया युवा खिलाड़ी हैं और उनके पास भारत में खेलने का खास अनुभव नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि विराट इस बार ऊपर रहेंगे। हेडेन ने रोहित शर्मा और लेफ्ट आर्म पेसर जेसन बेवरेनडॉर्फ के बीच मुकाबले पर कहा, 28 वर्षीय जेसन ऊंचे कद के पेसर हैं और विकेट पर गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि वनडे में वे चुनौती देंगे, लेकिन रोहित भी शानदार फॉर्म में हैं। भारत की मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया को 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। इसके बाद 5 वनडे मैच की सीरीज शुरू होनी है। जहां तक माइंड गेम की बात है, विराट कोहली इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। वह प्रतिद्वंद्वियों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसका उन्हें बड़े मैचों में फायदा मिलता है।